हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज फैशन यू शेतना. एंड आप मेरा वीडियो बहुत टाइम बाद, अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ बाद देख रहे हो. एंड बेसिकली ये जो वीडियो होने जा रहा है, ह्यूज अर्बेनिक विंटर वियर हॉल होने जा रहा है. एंड मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, दिस वीडियो इज नॉट सो बजट फ्रेंडली. इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट ये एक ऐसा वीडियो होने जा रहा है जिसमें अगर जो भी प्रोडक्ट मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगी उसमें से आप एक भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वो आउट ऑफ ट्रेंड कभी नहीं होगा. मतलब वो 2020 से लेकर मैं अभी तक देखती हुई आ रही हूँ कि वो हर बार पिंटरेस्ट पे ट्रेंड में रहता है. सो जितने भी विंटर आउटफिट्स या विंटर वियर मैं आपको दिखाऊंगी वो सब पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है. मैंने सब कुछ पिंटरेस्ट से देख कर फिर मंगवाए थे. उनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो ना तो आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट वो एक्सपेंसिव होने के साथ वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होगा. आप उसको मल्टीपल तरीके से स्टाइल करके पहन पाओगे. तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ परचेस करते हो, वैल्यू फॉर मनी भी होता है क्योंकि आप उसको मल्टीपल तरीके से स्टाइल करके पहन सकते हो एंड वो ट्रेंड में भी रहता है हमेशा. सो मेरा पर्पज़ यही था कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट थोड़े से एक्सपेंसिव है बट वो ट्रेंड में है. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ से लेकर और 3000 तक की विंटर वियर कलेक्शन दिखाऊंगी जो कि सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है. एंड जैसे कि एक तो अभी मैंने पहन रखा है तो आपको कितना कूल लग रहा होगा. सो इसी टाइप के विंटर वियर कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो सबसे पहले जो मैंने पहन रखा है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं. तो ये मैंने पहन रखी है बटन ट्रकर जैकेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको बटन ट्रकर जैकेट ही बोलते हैं. सो ये वाली जैकेट जो है अभी फ़िलहाल के लिए अर्बेनिक पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, बट इसका पाउडर ब्लू कलर अवेलेबल है. सो ये वाली जैकेट जो है आप अपने क्रॉप टॉप एंड जीन्स के साथ में पेयर अप करके पहन सकते हो. इसके अलावा आप इसे साड़ी के साथ में भी स्टाइल कर सकते हो. मैंने तो साड़ी के साथ में भी स्टाइल करके देखा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. एंड ये वाला जितना बाहर से आपको दिख रहा है ना प्रिटी सा, वॉर्म सा, ट्रस्ट मी पहनने के बाद उतना ही ज़्यादा वार्म है. ये आपके लिए मैं बोलूँगी कि हल्की फुल्की सर्दी से लेकर अगर जैसे कि जैन और दिसंबर में जो थोड़ी ज़्यादा सर्दी होने लग जाती है उसके लिए भी परफेक्ट है. अगर आप कॉलेज जाते हो, अगर आप पार्टी वगैरह में जाते हो तो भी ये वाला जैकेट बहुत अच्छे से वर्क करेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेंगे. एंड इसका प्राइस मैंने पे किया था 2500, वैसे इसका प्राइस 3000 समथिंग है, बट यूजिंग इन्फ्लुएंसर कूपन कोड ये मुझे 2500 में पड़ा है. मैं भी आपको यही बोलूँगी कि अगर आप अर्बेनिक से कभी भी शॉपिंग करते हो तो आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का कूपन कोड यूज़ कर लो ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए. आपकी किसी भी प्रोडक्ट पे 300 और 400 का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो आप इन्फ्लुएंसर का कोड ज़रूर यूज़ कर लो. तो दी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है प्लेट कोट, और ये आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा. सो ये मैंने पिंटरेस्ट से देखा था, पिंटरेस्ट पे भी देखा था कि इसकी ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, बहुत ही सारे कलर्स में ये चेक्स वाली जो विंटर शर्ट होती है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती है. ये हर विंटर में ट्रेंड में होती है. सो इसका प्राइस मैंने कुछ 1800 समथिंग पे किया, अगेन इन्फ्लुएंसर यूजिंग कूपन कोड. सो ये इतनी ज़्यादा वॉर्म है, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बाहर से ही दिखने में वॉर्म है बट ये बहुत ज़्यादा वॉर्म है. और इसका कलर भी कितना ज़्यादा प्रिटी है. आपको अर्बेनिक पे इस टाइप की जो शर्ट है, वॉर्म शर्ट, प्लेट कोट जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत सारे कलर ऑप्शन में दिखेंगे. आप इनको निट पुलोवर के साथ स्टाइल कर सकते हो, क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हो. एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर पार्टी वेयर लुक. अगर आप किसी ऐसी प्लेस पे हॉलीडेज़ मनाने जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है तो भी आप इसे पहन सकते हो विद ब्यूटीफुल कैप, विंटर कैप जो होती है. सो आपका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा. बहुत सारे कलर अवेलेबल है एंड ये वाला कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, पीच एंड ऑफ वाइट कलर का. सो बहुत ही ज़्यादा वॉर्म है एंड ट्रेंडी भी है. अगर आप सोच रहे हो कि 1800 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करेंगे तो वर्थ है कि नहीं है, कभी आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, नहीं, मैं इसको 3-4 साल से देख रही हूँ, ये पिंटरेस्ट पे हमेशा ट्रेंड में रहती है एंड ये हर विंटर में अर्बेनिक पे मुझे दिख जाती है. सो दिस प्लेट कोट भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है नेट टॉप. एंड इस टाइप के टॉप आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, आपने मीशो पे भी देखे होंगे. ये वाला मैंने ब्राउन कलर में इसलिए लिया है क्योंकि ब्राउन कलर है ना हमेशा विंटर में आगे रहता है. चाहे आप जैकेट्स में ले लो, चाहे आप पफर जैकेट में ले लो, क्रॉप टॉप्स, क्रॉप स्वेटर्स में ले लो, टैन कलर एंड ब्राउन कलर हमेशा ट्रेंड में रहता है. सो ये मैंने स्टाइल किया था व्हाइट शर्ट के साथ में एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था. एंड ये है हल्की फुल्की, जैसे अक्टूबर, नवंबर और फेब और मार्च में जो ठंड होती है, हल्की फुल्की सर्दी, उस टाइम पर आप इसे कॉलेज में स्टाइल करके जा सकते हो, कैजुअल आउटिंग के लिए
या फिर विंटर में ऐसी प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पे हल्की फुल्की ठंड होती है, तो वहाँ पे भी कैजुअल आउटफिट के लिए आप इसे स्टाइल कर सकते हो। एंड इसका प्राइस मैंने 800 समथिंग कुछ पे किया था। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, इतना अच्छा वॉर्म है, तो मुझे इसकी क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा लगा है एंड इसका मनी भी मुझे वर्थ लगा है। वैसे इसका प्राइस 1100 रुपीज़ समथिंग कुछ था, बट यूजिंग कूपन कोड ये मुझे 800 समथिंग कुछ पड़ा है। सो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। मूविंग टू दी नेक्स्ट, पफर क्रॉप जैकेट। सो इस टाइप की जैकेट आपने देखी होगी, हमेशा ट्रेंड में रहती, हमेशा चाहे वो पिंक कलर में आ जाए, नियॉन ग्रीन कलर में आ जाए, ब्लैक कलर में आ जाए। मैंने ये कुछ लाइट ब्राउन कलर सा, ऑफ वाइट कलर सा जैकेट पिक किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस जैकेट को आप ना परचेस करोगे ना, आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि आप इसे मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज आप ऐसी प्लेस पर जा रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आप इसे लोअर जो पजामा पैंट होता है उसके ऊपर क्रॉप टॉप और ये पहन के स्टाइल कर सकते हो। इतनी ज़्यादा वॉर्म है ये, बहुत ज़्यादा वॉर्म है। आप पजामा पैंट के साथ स्टाइल कर सकते हो, आप जीन्स के साथ में स्टाइल कर सकते हो, मल्टीपल तरीके से यू कैन स्टाइल दिस जैकेट एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। एंड प्राइस आई गेस 2700 रुपीज़ है इसका, आई गेस यूजिंग कूपन कोड। सो मुझे तो ये टोटली वर्थ लगा, बिकॉज आप एक अच्छा विंटर वेयर परचेस करते हो ना, तो इतना अमाउंट आपको देना ही पड़ता है, और जिसकी लॉन्ग लास्टिंग हो और जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, तो इतना प्राइस तो एक अच्छा विंटर वेयर मांगते ही मांगते हैं। सो मैंने तो ये डिसाइड किया कि ये जैकेट बहुत मल्टीपल तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। एंड पिंटरेस्ट पे अगर आप लिखोगे ना पफर क्रॉप जैकेट, तो आपको भर भर के इसके आउटफिट के स्टाइल मिल जाएंगे कि आप इसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। इसमें आई थिंक 3 कलर अवेलेबल है, डार्क ब्राउन, ब्लैक और ये वाला कलर। सो ये वाला कलर मैंने लिया ताकि थोड़ा सा लाइट हो और मैं इसके अंदर कुछ डार्क ऑप्शन पहन के इसे स्टाइल कर सकूं, तो ये भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी। मूविंग टू दी नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है लेदर जैकेट। और आपने देखा होगा कि लेदर जैकेट तो काफ़ी टाइम से आप देखते आ रहे हो, कभी भी इसका ट्रेंड आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। एंड ये लेदर जैकेट भी मैंने पिंटरेस्ट पे थोड़े से स्टाइल्स देखे थे कि आप कैसे स्टाइल कर सकते हो। वैसे भी ट्रेंड में लूज़ लेदर जैकेट का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, बट मुझे शॉर्ट एंड थोड़ी सी फिटेड लेदर जैकेट होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसका प्राइस आई थिंक 3500 समथिंग कुछ है। यूजिंग कूपन कोड ये मुझे 3000 रुपीज़ की पड़ी है। एंड ओह माय गॉड, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छा लेदर लग रहा है मुझे। ऐसे एकदम जो चीप वाला जो सिंथेटिक लेदर होता है ना, वैसा नहीं है इसका लेदर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और अंदर से भी इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यू कैन सी। तो ये अंदर से और बाहर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये जो इसमें स्टील का जो पैटर्न दिया ना, जिप वाला, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत कूल लगी है। एंड जिस तरीके से मैंने इसको स्टाइल किया, ये पहनने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी। सो आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको लेदर जैकेट बहुत पसंद है या लेदर जैकेट में कुछ स्टाइल करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो यू कैन गो फॉर दिस जैकेट। एंड आपको बाइक राइडिंग वगैरह के लिए भी जैकेट चाहिए, तो आप ये वाली जैकेट चूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पहनने के बाद बहुत कूल लग रही थी। मूविंग टू दी नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है वाइट कलर का स्वेट शर्ट। और ये ओवर साइज में लिया था मैंने। वैसे वाइट कलर जो हो गया, बेबी पिंक कलर जो हो गया, ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। आप पिंटरेस्ट पे अगर स्वेट शर्ट डिज़ाइन देखोगे तो आपको ब्राउन कलर, पिंक कलर और बेबी पिंक कलर एंड वाइट कलर, ये आपको ओवर साइज में इतने भर भर के दिखेंगे पिंटरेस्ट पे। एंड वाइट कलर इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये हमेशा हर विंटर में ट्रेंड में रहता है वाइट कलर। आप इस लॉन्ग स्वेट शर्ट को, ओवर साइज स्वेट शर्ट को आप स्कर्ट के ऊपर स्टाइल कर सकते हो, जीन्स के ऊपर स्टाइल कर सकते हो, या फिर जो शॉर्ट्स होते हैं ब्लैक कलर के, बाइकर शॉर्ट्स होते हैं ब्लैक कलर के, उसके साथ में भी आप इसे पेयर अप कर सकते हो विद कैप, स्लिंग बैग, काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा ये। एंड अच्छे से कैजुअल शूज़ या फिर विंटर शूज़ पहन के आप अपना लुक कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसका प्राइस मैंने 1500 रुपीज़ पे किया था, आई गेस 1500 और 1200 के बीच में है। सो मुझे प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है अंदर से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मुझे ये भी वैल्यू फॉर मनी लगा है, क्योंकि अगर वाइट कलर है तो आप इसको मल्टीपल तरीके से स्टाइल कर सकते हो, जैसे कि बाइकर शॉर्ट्स, जीन्स, डेनिम तो एंड स्कर्ट, सो इसलिए ये वर्थ लगा मुझे। मूविंग टू दी नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है एक अगेन पफर जैकेट, बट ये स्लीवलेस पफर जैकेट है। वैसे आपने ऐसी पफर जैकेट देखी होगी स्लीवलेस जो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, बट ये क्रॉप स्लीवलेस पफर जैकेट है, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो नीट पुलओवर होते हैं वो पहन के, और नीचे लूज वाइड लेग जीन्स या फिर फिटेड जीन्स, स्लिम फिट जीन्स पहन के आप इस
इस जैकेट को पेयर अप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कूल लुक आएगा। वैसे मैंने इस जैकेट को जिस तरीके से स्टाइल किया है वो मैंने पिंटरेस्ट से देख के स्टाइल किया एंड बहुत ही ज़्यादा कूल वाइब्स आ रही थी। सो आप भी इस तरह की पफर क्रॉप जैकेट होती है उसको मल्टीपल तरीके से आपको स्टाइल करने के ऑप्शन पिंटरेस्ट पे मिलेंगे। एंड अगेन दिस इज़ ट्रेंडी, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहती है, हर साल ये ट्रेंड में रहती है। सो आप इसको परचेस करते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इसका प्राइस अगेन 2000 रुपीज़ है एंड ये बहुत अच्छी वॉर्म है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप नीट पुलवर पहन के आप इसे स्टाइल कर सकते हो। सो नीटेड पुलवर पहनने के बाद आपकी बॉडी एक अच्छी खासी वॉर्म फील करेगी एंड ये स्लीवलेस होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सर्दियों जैसे दिसंबर एंड जनवरी की होती है तब भी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी एंड कॉलेज आउटफिट के लिए एकदम परफेक्ट है, हॉलीडेज एंड वैकेशन के लिए भी बहुत परफेक्ट है। प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ये नीट पुलोवर, जो कि मैंने एक्चुअल में अपनी सारी जैकेट्स अपने सारे विंटर वियर के अंदर स्टाइल करने के लिए परचेस किया है एंड ये इतना ज़्यादा ये फ्री साइज में मुझे मिला था और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है एंड इसका फैब्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट बटरी फैब्रिक है और इसका फिट, ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फिट है इसका। आप इस नीटेड पुलोवर को बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो, स्पेशली ये आपके क्रॉप जैकेट, क्रॉप पफर जैकेट एंड आपके जो भी विंटर वेयर होते हैं ना उनके अंदर, ओवर साइज कोट वगैरह उन सब के अंदर पहनने में बहुत काम आएगा। और एक वाइट और ब्लैक, ये दोनों नीटेड पुलोवर तो आपके पास होने ही चाहिए अगर आप अपना विंटर कलेक्शन अच्छे से या अच्छे तरीके से स्टाइल करना चाहते हो। इफ़ यू आर गोइंग ऑन ए हॉलीडे और कॉलेज गोइंग गर्ल हो और आपको मल्टीपल तरीके से किसी भी विंटर वेयर को अच्छे तरीके से स्टाइल करना है तो आप इस टाइप के नीटेड पुलोवर अपने कलेक्शन में रख सकते हो। एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जिसको मैंने पहन के ट्राई ऑन नहीं किया है बिकॉज मैंने इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्रॉप स्वेटर्स होते हैं उसमें टैन कलर और ब्राउन कलर हर विंटर में ट्रेंड में रहता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है, तो मुझे ये अर्बैनिक पे मिला, मैं इतनी खुश हो गई कि यार अच्छा है, क्रॉप ब्राउन स्वेटर है एंड ये मुझे रिसीव हुआ तब भी मैं खुश थी। जब मैंने इसको पहना तो लिटरली मैं शॉक्ड रह गई कि ये क्या स्वेटर है, इससे कहाँ से ठंड छुपेगी। तो आप देख सकते हो पूरा ओपन है और पहले तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि मैं हाथ तो सही तरीके से डाल रही हूँ या नहीं, तो ये पूरा ओपन है। यू नो स्लीव्स में पहनने के बाद ये कट है, यहाँ पे दोनों साइड में कट है जिसकी वजह से ये ओपन है और ये इतना ज़्यादा हाई क्रॉप है कि मतलब नीचे से सब कुछ ही दिख रहा था। सो आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट, मैंने तो शायद गलती कर दी, मैंने शायद डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा कि ये नीचे से ओपन है। वैसे ये जो मॉडल का फोटो लगा हुआ था उसमें ऐसे ही लग रहा था कि ये क्रॉप स्वेटर है, सो वो देख के मैंने इसे परचेस किया था, बट इसका कोई भी वर्थ नहीं है। सो ये वाला प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी एंड आई गेस इसका प्राइस 1100 समथिंग कुछ था, बट ये वर्थ नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो, कि मैंने आपके साथ में अच्छे खासे विंटर कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करे होंगे, सारे पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है, सब कुछ मैंने पिंटरेस्ट से देख के मंगवाया था और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हो तो वो आउट ऑफ ट्रेंड कभी नहीं होगा क्योंकि उसको आप मल्टीपल तरीके से स्टाइल कर सकते हो, बहुत सारे स्टाइलिंग ऑप्शन आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। इस वाले प्रोडक्ट का जो कलर है वो पाउडर ब्लू में अवेलेबल है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही आएगा। अगर आप अपने रिकमेंडेशन दोगे कि आपको फर्दर कौन सा वीडियो देखना है तो वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।